नमस्कार दोस्तों, कहानी की रात में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो सवाल हमसे लोगों ने पूछा कि सर हमें ये बताइए कि किसकी मदद सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो जब ये सवाल मेरे दिमाग में आया और लोगों ने पूछा कि मदद किसकी बड़ी होती है, तो इसका जो आंसर मुझे मिला वो मुझे मिला डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी एक वीडियो में एक स्टोरी मैंने सुनी, वो स्टोरी थी बिल गेट्स, जो दुनिया के कई सालों तक नंबर वन अमीर रहे, वर्ल्ड के नंबर वन अमीर रहे। तो उनकी की स्टोरी मैंने सुनी, तो आज की जो कहानी है वो बिलगेट की स्टोरी से हम लोगों ने ली है, जो कि डॉक्टर बिंद्रा ने हमें सुनाई थी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक बार क्या होता है, डॉक्टर अपना जो बिलगेट साहब हैं वो एक स्टेशन पर गए होते हैं, और वो ये तब की बात है जब वो बहुत अमीर नहीं थे, और वो जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म से एक अखबार परचेज़ करते हैं। जब वो उस अखबार को परचेज़ करते हैं तो देखते हैं कि उनके पास वो खुले पैसे थे नहीं। जब खुले पैसे नहीं होते हैं तो वो उस वेंडर से रिक्वेस्ट कर, वो वेंडर कहता है कि यार एक काम करो, कोई बात नहीं, आप छोड़ो साहब, चलो कोई बात, दिक्कत नहीं, आप जाओ। तो ऐसा होता है और वो बिल गेट्स उनको वो पैसे नहीं दे पाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, वो दोबारा से एक बार बिल गेट्स वापस उस स्टेशन जाते हैं, सेम वेंडर से फिर से एक अखबार परचेज़ करते हैं, और इस बार फिर उनके पास में वो खुले पैसे नहीं होते। तो इस बार भी क्या होता है, वो वेंडर कहता है सर कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बात होती है और इस बात को कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे बिल गेट्स दुनिया के नंबर वन एक सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, और उनको वो वेंडर कभी याद आता है, और वो ढूंढते ढूंढते उस वेंडर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं साहब मैं आपके दो अखबारों का कर्ज़दार हूं, और आज मैं इस दुनिया का नंबर वन अमीर आदमी हूं, तो आप जो चाहें वो मुझसे मांग सकते हैं। तो जो वेंडर होता है वो उनसे रिप्लाई करता है कि साहब आपने मेरी मदद करने के लिए तब आए हैं जब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, यानी कि आप अमीरों हो गए हैं तब आप मेरी मदद करने आए हैं, और मैंने आपकी मदद तब की थी जब आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत गरीब था, उसके बावजूद भी मैंने आपको मदद करी। तो आपकी मदद जो आज आप देने आए हैं और मेरी मदद जो मैंने उस समय की थी, उससे मेरी मदद बहुत बड़ी है। तो ये बात कहता है, और वो वेंडर, वो अखबार बेचने वाला अपनी खुददारी के चलते बिल गेट्स से कोई पैसा, कोई मदद नहीं लेता, और बिल गेट्स इस बात को देख के बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कि एक मैं दुनिया का अमीर आदमी और उसका अपने कर्ज को नहीं उतार पाया। तो जब एक इंटरव्यू में अपना बिल गेट्स से पूछा जाता है कि साहब एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में आपसे भी कोई अमीर आदमी है, तो बिल गेट्स वहाँ रिप्लाई करते हैं कि यस, मुझसे भी अमीर आदमी इस दुनिया में है, एक अखबार वाला जिसके दो अखबारों के पैसों का कर्जदार मैं आज भी हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौन व्यक्ति आपकी मदद किस परिस्थिति में कर रहा है। आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ हो सकते हैं, जो पैसे वाले भी हो सकते हैं, आपके प्रियजन भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो मदद नहीं कर सकता, जो गरीब है लेकिन फिर भी अगर आपकी मदद करता है, तो उस गरीब आदमी की मदद आपके लिए उस बाकी लोगों की मदद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मदद बहुत बड़ी है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अपना एक सवाल बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग किस सवाल के लिए क्या कहानी लेकर आएँ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय।